में देशभक्ति के नाम पर हिंदूवादी नेता की दबंगई देखने को मिली, जहां ऑटो पे लगा हुआ तिरंगा गंदा मिलने पर ऑटो चालक को भद्दी गालियां देते हुए उसकी पिटाई कर दी। वही जानकारी के अनुसार मामला थाना राकाबगंज के बिजली घर चौराहे का है, जहां एक ऑटो के पीछे तिरंगा लगा हुआ था। बारिश के कारण तिरंगा गीला और गंदा हो गया था। वहीं अपना खुद का संगठन राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत चलाने वाले विवादित हिंदूवादी नेता गोविंद परासर ने ऑटो चालक को पकड़ लिया और तिरंगा गंदा होने की बात कहकर जमकर गालियां दी। वहीं पुलिस को बुलाकर ऑटो सीज कराने की धमकी देने पर ऑटो चालक ने पैर छूकर माफी मांगने लगा। लगातार गुहार लगाने पर भी हिंदूवादी नेता ने उसकी पिटाई कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।